विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, स्क्वेयर रूट 10^3 प्लस 20^3 प्लस 30^3 प्लस 40^3 प्लस 50^3 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वेयर रूट के अंदर है। इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होता है हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में जो गिवन है वो और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेंगे, ये एक्स है राइट, इसका जो वैल्यू है रहे वो एक्स है समझ लेंगे। तो अभी हम अगर सबसे पहले हम ये एक्स है मान लिया तो ये स्क्वेयर रूट पहले निकालेंगे हम। अगर इसे स्क्वेयर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे राइट। तो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वेयर बनेगा, बनने दो, लेकिन हमें सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या है तो स्क्वेयर रूट निकालना है। तो अभी हम स्क्वेयर रूट हम यहाँ पर आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर निकल जाएगा तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 10^3 प्लस 20^3 प्लस 30^3 प्लस 40^3 प्लस 50^3 डिवाइडेड बाय ये 10 है इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर राइट। और ये 10 अगर निकालना है तो दोनों तरफ और 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों तरफ। अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर भी 10 से कर दो और यहाँ राइट साइड में भी 10 से कर दो। तो 10 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 10 निकल जाएगा तो ये बनेगा ये 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर। ये फर्स्ट लिख लेंगे, 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10^3 प्लस 20^3 प्लस 30^3 प्लस 40^3 प्लस 50^3 राइट। ये 10 तो निकल गया, ये 10 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर लेफ्ट साइड में रहने दो, यहाँ पर 10^3 ये रहने दो सेम, लेकिन यहाँ पर 20^3 को मैं 2 टाइम्स 10 करूँगा, 20 होते हैं तो ये होल टू द पावर ऑफ 3 कर लो। ठीक इसी तरह ये 30 है, 30 को 3 टाइम्स 10 कर लो, 30 बनते हैं इसका टू द पावर ऑफ 3 कर दो, प्लस 40^3 को 4 टाइम्स 10 कर दो, होल टू द पावर ऑफ 3 कर लो, और प्लस में 50 को 5 टाइम्स 10 कर दो, होल टू द पावर ऑफ 3 कर दो। ठीक, तो लेफ्ट साइड में वो 10 एक्स स्क्वेयर सेम रहेगा और ये 10^3 भी सेम रहेगा। प्लस यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ अगर एक्स रहा तो ये ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स बनते हैं। ये आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर यूज़ किया तो ये 2^3 टाइम्स 10^3 बनेगा, और ठीक इसी तरह ये 3^3 टाइम्स 10^3 ये बनेगा, और नेक्स्ट यहाँ पर 4^3 टाइम्स 10^3 ये बनेगा, प्लस यहाँ पर 5^3 टाइम्स 10^3 लास्ट में बनेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखा तो 10^3 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है। क्यों हम इसे कॉमन लेंगे बाहर, तो 10^3 अगर हम बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1 राइट, प्लस यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 2^3 क्योंकि इसका सर 10^3 तो बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3^3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4^3 प्लस यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 5^3 राइट। तो लेफ्ट साइड में तो 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 10 अगर निकालना है तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये 10 ये 10 निकल जाएगा, तो अभी और एक्स स्क्वेयर ही रिमेनिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये 10^3 जो है इसको अगर हम 10 से अगर डिवाइड किया यहाँ पर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर
टेन टू द पावर ऑफ टू रिमेनिंग रहेगा। तो टेन टू द पावर ऑफ टू यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर वन प्लस टू, टू क्यूब मीन्स एट बनते हैं, थ्री क्यूब मीन्स 27 बनेगा, प्लस फोर क्यूब मीन्स 64 बनते हैं, और फाइव क्यूब का वैल्यू 125। एक स्क्वेयर इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ टू टाइम्स, इन सबका समेशन कितना होता है, 1 प्लस 8 9 बनते हैं, 9 प्लस 27 36 बन जाएगा, 36 प्लस 64 100 बनेगा, 100 इंटू 125, 100 प्लस 125 मीन्स 225 बनेगा, राइट। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर टाइम्स ये 225 क्या बनते हैं, ये 15 का स्क्वेयर है, यानी 15 अपने आप में टू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो 15 स्क्वेयर हो जाते हैं, तो 15 स्क्वेयर इसको कर दो। और अगेन यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एक्स का जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ किया तो हमें एक्स स्क्वेयर इक्वल्स क्या मिलेगा, 10 इंटू 15 होल टू द पावर ऑफ टू, राइट। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 150 स्क्वेयर बनते हैं, ये भी स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, तो दोनों स्क्वेयर आप स्क्वेयर रूट लगा के ले लो, और नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते, दोनों स्क्वेयर निकल गया तो एक्स का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 150। तो एक्स मीन्स क्या है, एक्स मतलब हमें मालूम है, एक्स हमने लेट किए सो क्या है, एक्स इक्वल्स स्क्वेयर रूट 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 20 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 30 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 40 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 50 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय 10, ये है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 150 आ रहा है, राइट। तो एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे, ये एक्स का वैल्यू हो गया इक्वल्स, हमें क्या मिला 150 रखेंगे, और ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।